इनका नाम अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। तो आज हम एम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल में सात भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। यम नाम वाले लोगों के बारे में बात करें तो यम नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध के मामले में तो यम नाम वाले सिंह राशि वाले लोग अपने बोल्ड स्वभाव और आगे बढ़ने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर अपने साथी की भावनाओं के बारे में बहुत ही स्पष्ट होते हैं, अपने रिश्ते के प्रति वफादार व्यक्ति होते हैं और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने साथी का बहुत ध्यान रखते हैं। आप आमतौर पर अपने रिश्ते में मजबूत उत्साह वाले और अपनी भावनाओं और आंतरिक विचारों के बारे में कभी संदेह नहीं करते हैं। चलिए सात भविष्यवाणी की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक का समय सामान्य ही रहेगा। हालांकि समय सामान्य है फिर भी आपको अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से या आपके मित्र की वजह से आपके रिश्ते में कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने साथी पर इस वर्ष पूरा भरोसा बनाकर रखें। शंका बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें, गलतफहमी ना बढ़ने दें और वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। दूसरी भविष्यवाणी की बात करें प्रेम संबंध के मामले में, वर्ष 2025 में आप अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकते हैं। आप अपने साथी को अपने परिवार से मिला सकते हैं वर्ष 2025 में। तीसरी भविष्यवाणी की बात करें तो 18 मई के बाद का समय केतु आपकी राशि सिंह राशि में ही गोचर में होंगे। राहु सप्तम भाव में गोचर में रहेंगे। आपके साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी और शंका से बचना होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, नहीं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में तनाव देखने को मिलेगा। भविष्यवाणी की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं या फिर किसी से कोई मित्रता है उनकी या फिर किसी को डेट कर रहे हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, तो आपके लिए वर्ष 2025 में आपको सफलता मिल सकती है, साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आपको साथी की तलाश है तो कुल मिलाकर प्रेम संबंध के लिए सामान्य सा समय रहेगा, लेकिन तालमेल बनाकर चलना होगा। आपको साथी अपने कार्य क्षेत्र से भी मिल सकता है। पांचवी भविष्यवाणी की बात करें तो शादीशुदा जीवन में 29 मार्च तक का समय वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, साथी के साथ तालमेल भी रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है या फिर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो उनका ध्यान रखना होगा। 15 मई के बाद का समय वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना है। छठी भविष्यवाणी की बात करें, जो लोग शादीशुदा हैं और परिवार बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं यानी संतान चाहते हैं, तो उनके लिए इस वर्ष ये खुशी मिल सकती है। सातवीं भविष्यवाणी की बात करें, जो लोग अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी योग्य हैं, इस वर्ष आप आसानी से अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी पसंद पर ही संदेह हो सकता है, सही निर्णय लेने में समस्या हो सकती है। आप अपनी शादी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।